जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएसपी सक्सेस। टुडे वी आर गोइंग टू कवर एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट वाज इन द न्यूज़ एंड इट्स अबाउट व्हाई इंडिया नीड्स एन इंटरनल सिक्योरिटी प्लान फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एसएसपी एएफएसपी इन टर्म्स ऑफ जीडी लेक्चरेट एंड नेशनल न्यूज़। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक। देखो शुरुआत में ना राइटर कहते हैं अब तो इलेक्शंस खत्म हो गए हैं, अब गवर्नमेंट को आने वाले 5 सालों की इंटरनल सिक्योरिटी को कैसे टैकल करना है इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। मेनली राइटर के द्वारा 9 इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताई गई है, राइट? सो सबसे पहली अगर हम बात करें क्या प्रॉब्लम बताई गई है, सबसे पहला है नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन, राइट? यहाँ पे देखिए पहले उसमें पॉइंट में यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन। देखो काफ़ी टाइम से ना चर्चा चल रही है कि हमारे देश के पास सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए एक डॉक्ट्रिन होनी चाहिए जिसे हम नाम दे सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन। और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड है ना उसने टाइम टाइम पर क्या बोला है, सजेशन दिया है डॉक्ट्रिन बनाने का, सो दैट कोई भी गवर्नमेंट हो लेकिन देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड पॉलिसीज चेंज ना हो और ये डॉक्ट्रिन होने के बाद ही पॉसिबल है। तो राइटर कहते हैं कि अगर आप नेशनल डॉक्ट्रिन नहीं बना सकते तो एटलीस्ट उसका एक कॉम्पोनेंट बना दीजिए जो कि इंटरनल डॉक्ट्रिन, या फिर हम कह सकते हैं इस पैराग्राफ में देखो इंटरनल सिक्योरिटी कॉम्पोनेंट आप बना दें जो कि एटलीस्ट सिंपली तरीके से वर्क कर जाएगा और इससे हम इंटरनल सिक्योरिटी वाले चैलेंज के साथ डील कर लेंगे। सेकेंड वाला देख लेते हैं, सेकेंड है इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री। देखो अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है ना उसके पास काफ़ी काम है और वो काफ़ी अनविविध है, तो इंटरनल सिक्योरिटी मैटर्स जो कि इमीडिएट अटेंशन डिमांड करते हैं वो इसकी वजह से कई बार पीछे रह जाते हैं। तो ये हाई टाइम है, राइटर कहते हैं कि एक यंग जूनियर मिनिस्टर जो कि वर्क करे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर और उनको इंचार्ज बना देना चाहिए इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी। सो राजेश पायलट showed what a difference such an arrangement could make, that was this was the example given by the writer itself. Okay, next is Jammu and Kashmir, right? देखो स्टेट जो है अभी हम देख पा रहे हैं ये फार फ्रॉम नॉर्मल है, क्यों? क्योंकि होम मिनिस्टर क्लेम करती है कि टेरर इंसिडेंट्स जो हैं वो 66% कम हुए हैं सिंस द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, लेकिन जो टेररिस्ट है ना वो हम कह सकते हैं वो स्टक हो रखे हैं काफ़ी सारे प्लेसेस पे जम्मू के और वो डेस्परेट है ये नरेटिव चेंज करने के लिए, कौन सा, नए कश्मीर की, और वो चाहते हैं कि इसी वजह से काफ़ी सारे अटैक्स देखने को मिलते हैं जम्मू एंड कश्मीर में और यू नो गवर्नमेंट को काफ़ी सारे स्टेप्स लेने चाहिए कि वो रीऑर्गेनाइज कर सके अपने सिक्योरिटी ग्रिड को, रीस्टोर कर सके स्टेटहुड जम्मू एंड कश्मीर की और होल्ड कर सके इलेक्शंस को असेंबली के अंदर। नेक्स्ट इज नॉर्थ ईस्ट। देखो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है नॉर्थ ईस्ट जो है अ पीस ऑफ हार्ट है हमारे कंट्री का, लेकिन राइटर कहते हैं ये जो पीस ऑफ हार्ट है ना वो अनफॉर्चुनेटली अनहेल्दी सिचुएशन में बीट नहीं कर रहा है। एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ था रिबल नागास के साथ 2015 में और काफ़ी होप्स थी कि वो उसकी वजह से काफ़ी शांति आ जाएगी, लेकिन वो फुलफिल हो नहीं पाया बिकॉज उनका एक सेपरेट फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर डिमांड थी। तो अभी गवर्नमेंट को ना इंसिस्ट करना चाहिए, एक रिग्रेस इम्प्लीमेंटेशन प्लान लेके आना चाहिए जिसमें सारे ऑपरेशन एग्रीमेंट्स को सस्पेंड किया जा सके और यू नो रेबल्स के साथ आमने सामने टॉक हो सके टेबल पे बैठ के, और ये जो प्रॉब्लम है ना इलीगल माइग्रेशन ड्रग ट्रैफिकिंग स्मगलिंग की उनको देख के कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट फिफ्थ है नक्सल प्रॉब्लम। देखो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जो है वो ये कहती हैं कि जो नेशनल पॉलिसी और एक्शन प्लान है उसकी वजह से कंसिस्टेंट डिक्लाइन देखने को मिला है ज्योग्राफिकल स्प्रेड ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन्फ्लुएंस में, मतलब उनका कहना है कि काफ़ी कम हुआ है जो वायलेंस एंड रिजल्ट इन डेथ्स है वो डिक्लाइन की गई है 73% फ्रॉम हाई इन 2010। राय फर्दर ये कहते हैं कि जो नंबर ऑफ पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करते हैं ना लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में जिसमें वायलेंस देखने को मिलती थी वो 465 पुलिस स्टेशन थे अक्रॉस 96 डिस्ट्रिक्ट 2010 में, लेकिन अब वो रह गए 171 पुलिस स्टेशन रह गए अक्रॉस 42 डिस्ट्रिक्ट इन 2023 सोफा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो नक्सल्स जो है वो अपने बैक फुट पे है, तो ये टाइम है कि
एक हीलिंग टच को ऑफर करने का, तो गवर्नमेंट को उनको एक ऑलिव ब्रांच ऑफर करनी चाहिए, एक यूनिलेटरल सीज फायर को डिक्लेयर किया जा सकता है फॉर अ मंथ, और उनको पर्सुएड किया जाए कि एक नेगोशिएटिंग टेबल पे आए और अपने जेन्युइन ग्रीवियंसेस को एड्रेस करें और उनको मेन स्ट्रीम पे आए लेके आए। नेक्स्ट इज इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड सीबीआई। देखो, दो प्रीमियर सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड दूसरी सीबीआई। उनको बहुत ज़रूरी ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज की। आईबी को सेटअप किया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के तहत दिसंबर 23, 1887 में। ये हाई टाइम है कि उसको अब स्टैचुटरी बेसिस पे दे देनी चाहिए, जो कि सेफ गार्ड होगा कि उसका मिसयूज ना हो पाए और पार्टीज उस जो पावर में है उसका मिसयूज ना कर पाए। सीबीआई को सेटअप किया गया था एक रेजोल्यूशन के थ्रू ऑन अप्रैल फूल्स डे इन 1963, और ये जो है पावर डिराइव करती है टू इन्वेस्टिगेट फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। ये एक एनोमलस अरेंजमेंट है और जिसको रिकमेंड किया गया था 24th रिपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी। तो राइटर कहते हैं नीड ऑफ द आवर है कि हमें सीबीआई को भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, उनके लीगल मैंडेट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज को लेके। सेवेंथ है स्टेट पुलिस। प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि पीएमओ फंक्शन करे, पीपल्स पीएमओ। इट्स अ गुड थिंग, इट शुड डू इट, बट उससे ज़्यादा उसको एक ग्रेटर वैल्यू देने के लिए और उसको और रेलेवेंट बनाने के लिए हमें रूलर्स पुलिस, मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना रूलर्स पुलिस को, उसको कन्वर्ट करना चाहिए पीपल्स पुलिस। आज के टाइम पे लोगों के नरेटिव क्या है, वो पुलिस थाने पुलिस स्टेशन जाने से डरते हैं, राइट? तो ऐसा होना चाहिए कि जो आम नागरिक है वो बहुत अच्छे से अपने ग्रीवियंसेस को लेके पुलिस के पास जा सके, वैसा हमें स्टेट पुलिसेस को बनाने की जरूरत है। एट्थ वन इज सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। देखो, सीएपीएफ में ओवरऑल स्ट्रेंथ जो है मिलियंस, मोर देन अ मिलियन है, राइट? तो उसमें हम देखते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं, अनप्लान्ड एक्शन देखने को मिलता है, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग है, स्टैंडर्ड ऑफ डिसिप्लिन फॉल अपार्ट कर रहे हैं, वेक क्राइटेरिया देखने को मिलता है सेलेक्शन का, टॉप ऑफिसर्स का। और कई बार क्या होता है कि ये फ्रिक्शन क्रिएट हो जाती है आईएएस ऑफिसर्स के बीच में और जो सीएपीएफ के बीच में है, क्योंकि अब क्या करते हैं ये लोग आईएएस ऑफिसर्स को जो है वहाँ पे उनका हेड बना देते हैं, और जबकि सीएपीएफ में भी उस सीनियर लेवल के उतने सारे ऑफिसर्स होते हैं। तो गवर्नमेंट को अपॉइंट करना चाहिए एक हाई पावर्ड कमीशन जो इन प्रॉब्लम्स को लॉन्ग टर्म के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके। नाइन्थ वन इज टेक्नोलॉजी। देखो, इनॉर्मस स्कोप है टेक्नोलॉजी इनपुट का, अगर हम पुलिस की फंक्शनिंग की बात करें तो ये इनपुट जो है वो फोर्स मल्टीप्लायर की तरह एक्ट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने खुद सजेस्ट किया था डीजेपी को, डीजेपी कॉन्फ्रेंस हुई थी लखनऊ में 2021 में, कि हमें हाई पावर टेक्नोलॉजी मिशन को एस्टैब्लिश करने की जरूरत है, सो दैट हम रिकमेंड कर सके एडॉप्शन ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज फॉर न्यू चैलेंजेस। कंट्री अपनी स्ट्रेंथ को प्रोजेक्ट कर पाएगी इंटरनेशनल लेवल पे इन अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू इट्स इंटरनल कोहेशन, और उनकी जो एबिलिटी है टू रिजॉल्व द डिफरेंसेस और इंटरनल सिक्योरिटी के जो सिनारियो है ना इस कंट्री के, दैट वुड बी मच बेटर अगर एक्शन जो है इन अबव लाइंस के तहत लिया जाए, राइट? सो गाइस, कंक्लूजन में राइटर कहते हैं अगर हमने कोहेजन इंटरनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कर लिया तो गवर्नमेंट एनहांस कर पाएगी नेशनल स्टेबिलिटी, जो कि इफेक्टिवली काउंटर करेंगे थ्रेट्स और प्रोजेक्ट करेंगे स्ट्रेंथ को इंटरनेशनली। सो गाइज, दैट वॉज ऑल। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट, डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आई यूट्यूब चैनल SSP सक्सेस। योर लाइक्स एंड कमेंट्स मोटिवेट अस टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज ऑन टाइम। थैंक यू एवरी वन।